गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे। मीन्स इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए कौन से सबसर में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस टाइप से हम पढ़ रहे थे। उसके लिए मैंने तरीका बताया था। कुछ और रूल पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के, तो ध्यान दें, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। एक्सक्लूड करना मीन्स बाहर निकालना, उन ऑर्बिटल को एक्सक्लूड कर दिया था। मीन्स एक ऑर्बिटल है, एक बार इसके डेफिनेशन समझ लें। वन ऑर्बिटल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑपोजिट स्पिन, एक जो ऑर्बिट है, तो एक ऑर्बिटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है विद अपोजिट स्पिन। एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये क्या है, कौन सा प्रिंसिपल है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कल हमने पढ़ा था अबोव प्रिंसिपल। अबोव क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में फिल करेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी में फिल करेंगे। इसके बाद किसने बताई थी, अबोव प्रिंसिपल ने बताई थी। पाउलीज ने क्या बताया, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ये दूसरा प्रिंसिपल था। और तीसरा प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है इनका, हंट्स रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हंट्स रूल क्या कहता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का है हंट्स रूल है। हंट्स रूल ने बताया, मान लीजिए, देखो एक बात समझना भाई, ये 3 ऑर्बिटल है, मान लीजिए पी के 3 ऑर्बिटल है और हमें दे दिए 4 इलेक्ट्रॉन, कहे फिल कीजिए। तो फिल करने का तरीका ये हो सकता है, हम 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल कर दें, या फिर ये तरीका हो सकता है कि हम 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल कर दें, 1 2 3 और 4। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं, तो कौन सा सही है वो हंट्स बताएगा। हंट्स ने ये तरीका गलत बताया। हंट्स कहता है कि जितने इलेक्ट्रॉन, जितना ऑर्बिटल है, मान लीजिए आपके पास 3 ऑर्बिटल है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सब ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दें। अगर 4 है 5 बाद में देखेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करें, उसके बाद अगर ज्यादा है तो पेयरिंग करवाएं इलेक्ट्रॉन की, पेयर बनाए इलेक्ट्रॉन का। ये कौन कहता है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, के इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका ये गलत है, ये सही है। मान लीजिए कि किसी माँ के 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं, उसके पास 4 टॉफी हैं, तो वो ऐसे वितरित थोड़ी करेगी कि 2 एक को दे देगी, 2 एक को दे देगी और 1 बैठा रहेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। पहले एक एक सबको देगी, उसके बाद जो बचेगी वो दोबारा से पेयरिंग करवाएगी। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भी रूल है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करें, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद पेयरिंग करें, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें, उससे पहले नहीं। उससे पहले अगर आप करते हैं तो रूल का वॉयलेट है, वो रूल आप फॉलो नहीं करते, उस रूल को आप फॉलो नहीं करते, इस बात का ध्यान देना आपने, उस रूल को आप फॉलो नहीं कर रहे, अगर उस बात का ध्यान नहीं देते तो। और एक और अफवाह प्रिंसिपल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि लोअर एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। अपोव प्रिंसिपल जो हमने कल पढ़ा था, लोअर एनर्जी निकालने का तरीका है n plus l रूल। जिस प्रकार अपोव प्रिंसिपल पढ़ा था आपने, उसी प्रकार n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजियोमेट्रिक क्वांटम नंबर, इन दोनों का सम का रूल है। अगर इनकी वैल्यू लोअर है, इनकी वैल्यू लोअर है, तो एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी भी ऑर्बिटल का क्या होगा, लोअर होगा। मान लीजिए मैं कहूं 2s और 2p में किसका एनर्जी कम है, तो मैं n प्लस l के पास जाऊंगा, इसका n कितना 2, l कितना 0, टोटल कितना 2,
इसका n कितना 2, l कितना 1, टोटल कितना 3, जिसका वैल्यू लोअर, n प्लस वैल्यू जिसका लोअर वो पहले आएगा और n प्लस l जिसका ज्यादा वो बाद में आएगा। कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि n प्लस l इक्वल आ जाता है, n प्लस l क्या आ जाता है इक्वल दोनों ऑर्बिटल के लिए। मान लीजिए 4s है और एक 3d है, एक 4s है और एक 3d है, तो इसमें देखिए n का वैल्यू कितना 4, l का वैल्यू 0, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू कितना 2, इसमें तो डायरेक्ट आ गया 4 और 5, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे बाद में इसमें आएंगे, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 4s में, उसके बाद किस में आएंगे 3d में आएंगे बेटा। आगे बात समझ में आ गई होगी आपको बात समझ में। एक 3d और 4p है, मान लीजिए 3d है और 4p है, n का वैल्यू कितना 3, l का वैल्यू 2, टोटल कितना 5, इसमें 4 n का, l का 1, टोटल कितना आ गया भाई 5, n प्लस l दोनों में बराबर आ गया। अगर कम आ जाता है तो लोअर है एनर्जी, अगर बराबर आ गया तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, जिसका n कम, अगर ये वैल्यू बराबर आ जाती है उस समय जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम वही उसी की वैल्यू लोअर, मीन्स पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे 3d में, उसके बाद 4p में। और कल मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने बता दी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट सब सेल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक बार दोबारा देख ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको आना चाहिए। एक बार दोबारा देख ले कैसे लिखा था कल, पहले लिखा था 1s, उसके बाद क्या 2s, उसके बाद क्या 2p, फिर 3s लिखा, उसके बाद क्या 3p, उसके बाद क्या लिखा 3d, उसके बाद 4s लिखा, उसके बाद 4p, 4d, 4f लिखा, उसके बाद 5s लिखा, उसके बाद क्या लिखा 5s लिखा, 5p लिखा, 5d लिखा, 5f लिखा, उसके बाद 6s लिखा, 7p लिखा, 6p लिखा, 6d लिखा, 6f लिखा, 7s लिखा, 7p लिखा, 7d लिखा, 7f लिखा, और ऐसे लाइंस लगाई थी मैंने। ध्यान हुआ आपको, दो चार बार लिख के देखोगे तो बात बन जाएगी। अगर इनको लाइन में लिखोगे तो ये अपने आप लाइंस में ही आएंगे इस टाइप से। फिर मैंने इसको लिखना सिखाया था, सबसे पहले किसको लिखते हैं 1s को, उसके बाद किसको लिखते हैं 2s को, उसके बाद ऐसे जाते हैं आप पीछे से लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद कौन है 2p, उसके बाद कौन है 3s, उसके बाद कौन है 3p, उसके बाद कौन है 4s, उसके बाद कौन है 3d, ऐसे चलते रहते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ऐसे चलते रहते हैं। उसके बाद कौन है 4p, उसके बाद कौन है 5s, ठीक है, ऐसे हम चलते रहते हैं, जितना एटॉमिक नंबर हो वहां जाके रुक जाते हैं। मैं मान लीजिए 37 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो है, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, फिर s में कितने 2, p में कितने 6, s में कितने 2, p में कितने 6, s में कितने 2, p d में कितने 10, p में कितने 6, टोटल करके देख भाई 2, 2, 4, 6, 10, 12, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36, कितना करना है 37, 5 s में कितना 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। आई बात समझ में, आगे होगी बात समझ में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कहूं किसी एलिमेंट की लिख के दिखा तो तू लिख के दिखा सकता है, ठीक है। दो एक्सेप्शन हैं उनको बाद में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या भी बता देते हैं कॉपर और क्रोमियम दो की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन है। एक तो क्रोमियम है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, एक कॉपर है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। इनको 5 सितारा लगा सकते हैं आप, 5 स्टार लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं मान लीजिए क्रोमियम का 24 के लिए 1s2 2s2 2p6, यहीं से लिख रहा हूं तेरे को भी याद हो जाएगी लाइन, 3s2 3p6, उसके बाद कौन है 4s2 3d4, देख सकते हैं आप 24 के लिए हो गया। अगर मैं रोल से लिखूंगा तो ये आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6,
क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते भाई, इस बात को भी ध्यान दें। एस का एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मीन्स 0 से 2 इलेक्ट्रॉन एस में। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपने पावलोव एक्सप्लोजन पढ़ा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल 5 होते हैं भाई, 5 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 7 होते हैं, 7 में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस बात का ध्यान देना है। तो कितना आपको इसके लिए आ गया, लेकिन होता ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके 3d1 3d5, एक यहां से एस का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा दिया 3d5। ये बताऊंगा क्यों, ऐसे ही कॉपर के लिए, कॉपर के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 लिखेगा। तो अगर इस रूल से लिखेगा तो ये आएगी भाई 29 के लिए, ये आएगी अगर रूल से लिखेगा तो ये आएगी। लेकिन है कौन सी इसकी, ये करेक्ट है, ये रोंग है, ये रोंग है, नीचे लिखूंगा करेक्ट लिखूंगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये राइट है, ये राइट है, एक्सेप्शन है भाई 2, ये राइट है, ये राइट है, ठीक है। क्यों राइट है ये मैं समझा देता हूं। डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। dxy / dxz, dx2 - y2 एंड dz2, 1 2 3 4 5। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने, यहां से इसके अकॉर्डिंग 5 इलेक्ट्रॉन। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, नीचे 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका हमारा यही होना चाहिए। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये बात किसने बताई, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये जो ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रखती है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, और ये कैसी है, फुल फील्ड स्टेबिलिटी, ये फुल फील्ड स्टेबल है, मींस फुली फील्ड है, इसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ये हाफ फील्ड है, मींस कुछ सिमेट्री है इसमें, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है। मान लीजिए आपके पास 51 रुपीज है, एक के पास 50 रुपीज है, या 49 रुपीज है, मान के चलता आपके पास 49 है, किस तरह से 50 हो गए, एक नोट बन गया, ये आपके पास फुटकर के रूप में थे, ये एक नोट बन गया, अब आप ज्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। ऐसे इस केस में आपके पास 99 है, आपको एक और मिल जाए, कितने हो गए 100। सोने के बाद एक मानसिक स्थिति आपकी अलग हो जाती है, 100 का नोट है मेरे पास, मींस फुलफिल्ड, जो कि थोड़ा सा कमी था, इलेक्ट्रॉन पीछे से ट्रांसफर हो गया, इसके पास आ गया स्टेबिलिटी के कारण, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। रीजन पूछे क्यों, तो एक में कौन सी स्टेबिलिटी है, हाफ फील्ड, और दूसरे में कौन सी स्टेबिलिटी है भाई, फुल फील्ड स्टेबिलिटी है। ये बात आप बता देंगे, इसी के साथ खत्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले कितने एलिमेंट के, 38 एलिमेंट के आप कॉपी में लिखोगे, पहले 38 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कॉपी में लिखोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। धन्यवाद, इसी के साथ क्लास समाप्त होती है।